हम सभी चाहते हैं कि सर्दियों में हमारा फेस काला ना पड़े, हमारे फेस पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो हो, एक गोरा निखार हो, हमारे फेस पे चमक हो और हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा यंग लगे। हाय गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज मैं आपके लाई हूँ एक विंटर स्किन केयर रूटीन जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स विंटर में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा काली पड़ जाती है, उसमें किसी तरीके का ग्लो नहीं रहता। जो आज की मैं आपके लिए होम रेमेडी लाई हूँ बहुत ही अच्छा आपको एक ग्लोइंग निखार देगा, साथ ही साथ आपका फेस पे एक चमक आ जाएगी और आपका फेस काला नहीं होगा, बजाय आपका फेस आपके जो स्किन टोन से 2 से 3 शेड लाइटर हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। को लेनी है सबसे पहले 1 टेबलस्पून डव क्रीम। अगर आपके पास डव क्रीम नहीं है तो आप निविया भी यूज़ कर सकते हैं, आप पोंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 टेबलस्पून डव क्रीम। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है डव क्रीम। आप पोंड्स ले सकते हैं, निविया ले सकते हैं, आपके पास कोई भी नरिशिंग क्रीम हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, आप ले सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हनी, ये ऑर्गेनिक हनी ही लेना है हमको। यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच रोज़ वाटर और फ्रेंड 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ हम डालेंगे लेमन जूस। 1 चम्मच डालेंगे हम दूध, ये कच्चा दूध ले रही हूँ मैं। तो फ्रेंड मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसे हम अपने क्लीन फेस पे लगाएंगे। आप अपने फेस पे किसी तरीके का मेकअप ना करें, इसे लगाने से पहले आपका फेस क्लीन होना चाहिए। फ्रेंड मैंने यहाँ पर डव क्रीम लिया है, आप चाहें तो निविया ले सकते हैं, आप कोई भी कोल्ड क्रीम ले सकते हैं, पॉन्ड्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। फ्रेंड ये आप इसमें कच्चा दूध डालें और इसमें लेमन जूस लिया था मैंने, हनी लिया था, ये सब चीज़ें हमारे फेस को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है और हमारे फेस पर एक अच्छा सा ग्लो लाती है। ये सब हर किसी घर में चीज़ें होती है और फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको पहले अच्छे से मसाज करना है, फिर 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, फिर आप इसको ल्यूकवॉर्म वाटर से कॉटन में डिप करें और अच्छे से इसको क्लीन कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका फेस काफ़ी एक बेबी सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा और साथ ही साथ आपका फेस जो है कलर जो है वो 2 से 3 लाइटेड भी हो जाएगा। सो आई होप आपको आज की होम रेमेडी पसंद आई होगी। और भी ऐसे अच्छे अच्छे होम रेमेडी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ प्रेस द बेल आइकन ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियो है वो आप सबसे पहले देख पाएं। सो मैं आपसे मिलूंगी किसी नई होम रेमेडी, नए DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।